भाभी को जवाब दियो है कि बारात लेके जा रहे हैं, जो भी रस्म होती है उसे पूर्ण करो। तो भाभी ने समझायो, बेटा मत जाओ कि क्योंकि बाप पे एक दुल्हन और दो इसके पति हो तो झगड़ा तो निश्चित है, वो तो होना ही होना है। लेकिन शिशुपाल ने माना, आप राक्षस की खोपड़ी में चाहे कितनी भी अच्छी बातें भरो लेकिन उसे समझ में नहीं आता। जैसे ही वो चलने के लिए तैयार हुआ, श्रोताओ अचानक जैसे ही पटा पे पैर रखो है तो पैर फिसल गयो, अशगुन होने लगे। और वैसे भी भारतवर्ष के लोग अपशगुन ज्यादा मानते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन कुछ मूढ़ी आदमी नहीं मानते। जैसे घर से निकले बिल्ली रास्ता काट जाए, सर्प रास्ता काट जाए, बड़ा अपशगुन माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, माताएं दो चार काम ऐसे होते हैं घर में जो न करें, क्योंकि एक संत कहते हैं कि घर में माताओं के ये चार छह काम करने से गरीबी के 100% चांस रहते हैं। पहली चीज, घर में कभी भी खड़े होकर के बाल न निकाले। माताएं होती है ना, खड़े होकर के कभी बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरी बात, घर में झूठे बर्तन सांप को छोड़ करके नहीं सोना चाहिए। लोग बोलते कि घर में झूठे बर्तन पड़े होंगे तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, क्योंकि दीपावली के दिन हर घर में बर्तन धुल के रखे जाते हैं, लक्ष्मी आने वाली है। तीसरी चीज, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। चौथी चीज, घर में आटा की रोटियां शाम को बनाई और आटा बच गया तो उस आटे को फ्रिज में मत रखें। सोचते हैं ना कि फ्रिज में रख दे, सुबह इसी की रोटियां बना लूंगी। माताओं, घर में रखा हुआ आटा और उसकी सुबह रोटियां बनाई जाएंगी तो मुर्दे के समान होता है। रखे हुए आटे की रोटी नहीं बनानी चाहिए। आपको अगर आटा बच गया तो पड़ोस में दे दो, गाय को डाल दो, लेकिन रोटियां मत बनाओ। घर में कहते हैं कि भैया जो बड़े लोग होते हैं उन्हें फ्रिज का पानी बड़ा सूट करता है, वो फ्रिज के पानी के बिना नहीं जी सकते। इतना ही ठंडा पानी चाहिए ना, तो बाजार में जाइए, घड़ा मिट्टी का ले आइए, उसमें पानी भर के पीजिए, नुकसान नहीं करेगा। कहीं से भी आओ आप पी लो, क्योंकि आप कुकर में दाल बनाना, कुकर की दाल आप सुबह वाली शाम को नहीं खा सकते, बेस्वाद लगने लगती है। और आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, आप 3 दिन तक दाल खा सकते हो, कोई भी बेस्वाद नहीं लगेगी। कुकर तो भाई सीधी कहता है कि तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा, बोलिए गोविंद भगवान की। ये तो अशगुन होते, शगुन होते घर से कोई निकले, घर से कोई निकले और रास्ते में कोई गाय अपने बच्चे को, बछड़े को दूध पिलाती हुई आपको मिल जाए, समझ लेना कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो पूर्ण हो गया। आप सुबह सुबह घर से किसी काम के लिए निकले और मंदिर से खुशबू आ रही है अगरबत्ती धूप बत्ती की, तो समझ लेना कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम पूर्ण हो गया। कोई फूल या बाल्टी में गाय का दूध लेके बस निकले आपके सामने से, आप कहीं काम से जा रहे हो, तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। ये होते शगुन। तो जब शिशुपाल चौकी पर उस पट्टे पर खड़ा हुआ तो महाराज अशगुन होने लगे।
भाभी ने जवाब दियो, बेटा मत जाओ। कहा माने, हुआ ऐसा भाभी करने लगी तैयार।